कार्ड नंबर 4319, क्या नाम आपका? अवतार सिंह जी, क्या तकलीफ क्या अवतार सिंह जी? मेरे पैर से लेके ना सिर हाँ। तक पूरे में दर्द है, पैर से लेकर सिर तक। हाँ सिर तक, ये मतलब मैं सांस भी इसमें लेने में मेरे को प्रॉब्लम आ जाती है कहीं। अच्छा, तो मतलब इस सर से कान भी है, सारा का सारा हिस्सा ये मेरा प्रॉब्लम के अंदर है। पैर से लेके पैर के अंगूठे से, अंगूठा भी है मतलब उंगलियां जैसे शुरू करता हूँ ना, अच्छा वहाँ से लेके पूरा सिर तक, सिर में भी ऐसे लगता है जैसे ये एक दो भाग में बट गया शरीर। अच्छा, हाँ। और ये कब से? ये हो गए 7-8 महीने से मेरे को महसूस होने लग गया, और इससे पहले मेरे घुटनों में दर्द था। हाँ। और डॉक्टरों ने, ब्लिंडन के डॉक्टर विंदर है, उनके पास मैं गया था, जानने वाले थे, उन्होंने मेरा इलाज वो करा, वो देखा, कहते इसमें ग्रीस भर देते हैं कई में घुटनों के अंदर। अच्छा, इंजेक्शन देते हैं। फिर मैंने कहा वो, या मैं कहा इसका कोई इलाज बताओ, तो कह रहे इलाज तो घुटना चेंज है, वो लाख सवा लाख रुपए का। डीला छोड़िए थोड़ा सा यहाँ से, वेरी गुड, एकदम डीला छोड़ो, बस रिलैक्स रिलैक्स। एकदम ढीला, एकदम ढीला, एकदम ढीला, एकदम ढीला, एकदम ढीला। हाथ देना, आप पीछे मोड़ रख दो, बस थोड़ा हल्का से यहाँ ऊपर ले जाओ, बस फिर से लेके जाओ, फिर से लेके जाओ, वेरी गुड, हाथ आगे लो, गर्दन सीधी करो, बस इधर एडी को। अब आप धीरे से सीधे लेटना है, तकिया नीचे लगाओ, सिर के नीचे लगाओ तकिया, तकिया सीधे लगाओ। कैसा होने लगा? हल्का? हाँ जी। और थोड़ा सा ठीक? हाँ, दिखाओ। पहले से काफी बैलेंस हो गई, काफी बैलेंस हो गई, पहले से जो एक बैलेंस थी ये काफी बैलेंस हो गई, जो इम्बैलेंस थी ये अब बैलेंस हो गया ना। ढीला छोड़ो, यही वाला पार्ट है ना, हाफ पूरा? हाँ जी, है ना। हाँ जी, ढीला छोड़ो। हाँ, ये वाला हाथ भी यहाँ काम नहीं कर रहा था ना? नहीं। ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, यहाँ ढीला छोड़ो। दिया छोड़ो, पैर सीधा मिलाओ, पैर चलो, सांस लो, नाक छोड़ो, सांस लो, नाक से छोड़ो, सांस लो, नाक से छोड़ो, बस वेरी गुड, लो सांस लो, नाक से छोड़ो, सांस लो, छोड़ दो, वेरी गुड। चलो बैठा, करवट लेकर, करवट लेके बैठना, खड़े हो जाओ, हाँ स्टैंड ना लगे इसका ध्यान, और थोड़ा आगे चलो, थोड़ा आगे चलो, बैठो चेयर पे, चेयर पे बैठो। इधर करो, इधर करो,
दो तीन लंबी गहरी सांस लो, हाँ नाक से लेके मुंह निकालो, वेरी गुड। अब जरा चलो थोड़ा घूमो, चलो चलो। अब फिर हल्का हो गया, बहुत हल्का हो गया, बहुत हल्का हो गया ना। पहले क्या था और अब क्या है जरा बताओ। पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कुछ मेरे को खींच रहा, यहाँ आ जाओ, मेरे को कुछ खींच रहा, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ खींच रहा है, खींच रहा है। कहाँ कहाँ खींच रहा था? ये एक तो कंधे वाला पॉइंट था ये, और बाकी पैर से लेकर, पैर से लेके सिर तक, मतलब जगह जगह जकड़ा हुआ था एकदम। कितने सालों से जकड़ा हुआ था? ये 2 साल हो गए मेरे को, 2 साल से जकड़ा हुआ था। खुली रहा, कोई भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, कैसे भी कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, दवाइयों से भी नहीं हो रहा, बल थोड़ा ढल गया दवाइयों से, लेकिन तो प्रॉपर नहीं हो रहा। अब कैसा खुल गया? अब ऐसे लग रहा कि हाँ खुल जाएगा, पूरा खुल जाएगा आपके पास। क्या क्या अब आप जब आए और अब में क्या अंतर आ गया ये बताओ। अब जो अभी जब से आपने ट्रीटमेंट लिया, बहुत देर इंतजार किया मुझे लगता है, कितने घंटे इंतजार किया मैंने आज? हाँ 3 घंटे के करीब, 3 घंटे इंतजार किया, 3 घंटे के बाद नंबर आया। कैसा लगा अब बताओ? अब मेरे को बिल्कुल ठीक लग रहा है, पूरा शरीर खुल गया, खुल गया। बस आपके पास 1-2 दफा और आऊंगा तो मेरे को लग रहा है कि ठीक हो जाऊंगा। तो ये इनको हाफ बॉडी पेन था, कंप्लीट हाफ बॉडी पेन। जिनको भी आधे शरीर में दर्द होता है, यह अपना ट्रीटमेंट अचूक है। अगर मैं भगवान की बात तो नहीं कहता, लेकिन अगर 100 केस आते हैं तो 100 के 100 इस तरह के रोगों में ठीक होकर जाते हैं, जो अभी तक का एक्सपीरियंस है उसकी बात मैं कर रहा हूं। हाफ बॉडी पेन इनके किसी गलत पोस्चर के कारण से इनको आ गया था। हो सकता है सिर के नीचे हाथ लगा के सोते हों, हो सकता है कभी झटका भी लग सकता है। तो झटका लगने से ये जो एरिया है ना, खासकर सर्वाइकल का ये वाला एरिया, यहाँ से नर्व, यहाँ की नर्व इधर कंट्रोल करती है, यहाँ की नर्व इधर कंट्रोल करती है, तो इस जंक्शन पर इनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। इस जंक्शन के एरिया को मैंने अभी क्लीन किया है, स्पाइन की अलाइनमेंट किया है, जंक्शन का एरिया क्लीन किया है, और इनके बॉडी के केमिकल्स को बैलेंस किया है। केवल बॉडी के कुछ केमिकल्स को बैलेंस करने के बाद और जंक्शन को क्लीन यानी अलाइनमेंट करने के बाद चेहरा बदल गया। अभी अगर पगड़ी पहना के बात की जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप वही हैं या कोई दूसरे हैं, है ना? ऐसा लग रहा है ना कि ये बदल गए। इनकी स्माइल नहीं थी कितने साल, कितने टाइम से तो हंसे ही नहीं। हंसी आए तो पेन रहता ना हर वक्त बॉडी के अंदर, हंसी आती है। 24 घंटे पेन रहता था ना ये? हाँ पेन 24 घंटे, 24 घंटे पेन रहता था जिसमें से। तो अब आप सबको क्या बोलेंगे, कैसा लग रहा है और क्या संदेश देंगे? तो मैं आपके बारे में दूंगा, क्या देंगे मेरे बारे में संदेश? जिसको भी कोई ट्रीटमेंट लेना है वहाँ पे जाओ और ठीक हो जाओगे। अभी मेरे दोस्त हैं, उनकी वाइफ है, और वो काफी समय से 12-14 साल से बेड के ऊपर है, पर वो दोस्त थोड़ी हिम्मत बनाएगा और मैं तो उसके लिए करूंगा कोशिश करेंगे आप, है ना, कि उसको लेके आए यहाँ पे दिल्ली में ही है तो वो भी ठीक हो सकती है, है ना, चमत्कारी चीज। हाँ बिल्कुल, मैं तो आपके चैनल को देखता हूँ, उससे बहुत दफा जिसमें दो हर तरीके से आप जैसे ठीक कर रहे हैं तो है उसमें जान है ना जान। तो सबके लिए ऐसा ही संदेश है कि सब स्वस्थ रहें, मंगल कामना है सबको, और अगर तकलीफ हो तो बिना दवा बिना साइड इफेक्ट के आरोग्य पीठ में आके अपना उपचार कराएं। और आरोग्य पीठ में अगर आपने आना है तो पहले आपने हमेशा संपर्क करिए, जो नंबर है हमारा लैंडलाइन नंबर है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ, 011-257-33-643, 011-257-33-643।
और एक मोबाइल नंबर भी है 9650611711। पर अगर आप इस फोन पर सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में ही कॉल करें, अगर आपकी मिस कॉल आती है तो कॉल बैक भी हमारे केंद्र से करने की व्यवस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद।